press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। वर्ष 2018 नए वर्ष की दस्तक दे रहा है और मेरे कुंभ राशि वाले मित्र अपना वार्षिक भविष्यफल जानने के लिए व्याकुल होंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आपको वर्ष 2018 का वार्षिक भविष्यफल बताता हूँ। साथ ही मित्रों, मैं आपको कुछ अचूक उपाय भी दूंगा जिन्हें करने से आप अपने इस वर्ष को सफल बना सकते हैं, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जातकों को नए वर्ष 2018 की शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए शानदार वर्ष रहेगा। शनि का लाभ स्थान में परिभ्रमण आपके लिए लाभ के मार्ग खोल देगा। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष शानदार रहेगा। नित नई उन्नतियों के पायदानों को आप स्पर्श करेंगे। पुराने रोगों से आपको इस साल छुटकारा मिल जाएगा। इस वर्ष वर्षारंभ में देवगुरु नवम स्थान में गतिशील है, जो भाग्योदय व उन्नति के द्वार खोल देगा। राहु वर्ष पर्यंत छठे स्थान में मनशील रहेंगे, अतः रोग व शत्रु से सावधान रहें। शत्रु आपके विरुद्ध कोई गुप्त योजना या षड्यंत्र की व्यूह रचना कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक संघर्षशील व रचनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं। आपकी रचनात्मकता ही आपकी उन्नति का सबसे बड़ा आधार होगी। इस वर्ष आप अपनी आय व आजीविका के स्रोत को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करेंगे। कामकाज व दबाव तो रहेगा, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दें। अपनी दिनचर्या, खानपान, व्यायाम, योग आदि चीजों को नियमित रखें। छठे भाव में राहु की स्थिति है, अतः पार्टनर, भागीदार या किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। आपके घनिष्ठ व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात या धोखा कर सकते हैं। बिना पढ़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करें। इस वर्ष वित्तीय व व्यवसायिक दोनों पक्ष पर उपलब्धियां हासिल होगी। इस वर्ष आपकी राशि के अधिपति शनि महाराज 18 अप्रैल से 6 सितंबर के मध्य वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, अतः इस दौरान शारीरिक व्याधि व मौसमी बीमारियों के संकेत मिल रहे हैं। कार्य कुशलता व कार्य क्षमता में कुछ कमी दिखलाई देगी। मोटापा बढ़ सकता है। इस समय वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। यातायात नियमों की अनदेखी व लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं। इस समय व्यापार की स्थिति भी ढीली रह सकती है। जितनी आप मेहनत व परिश्रम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल उस मेहनत के अनुपात में नहीं आएगा। व्यापार व कारोबार में तयशुदा लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी निकट रिश्तेदार या सगे संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। 6 दिसंबर के बाद परिस्थितियां एक बार फिर से सामान्य हो जाएंगी। इस वर्ष घर परिवार का वातावरण सुख शांति से युक्त रहेगा। परिवार के सदस्यों से पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखेंगे। तकनीकी शिक्षा, कानून, प्रशासन व आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंगों व व्यर्थ के कार्यों में पढ़कर अपने कैरियर के साथ समझौता न करें। सरकारी व प्राइवेट नौकरी में प्रयासरत व्यक्तियों के लिए उन्नति या महत्वपूर्ण पोस्टिंग के आदेश मिल सकते हैं। बॉस व अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। इस वर्ष खर्च पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिजूल खर्ची को टालें, अपने खर्चों में कटौती करें। संपत्ति, भूमि, भवन आदि पर बड़ी राशि खर्च होगी। इस वर्ष चल अचल संपत्ति की खरीदारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आपके शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। इस वर्ष किसी गंभीर व घातक बीमारी की स्थिति नहीं रहेगी। छोटी मोटी व मौसमी बीमारियां हावी रह सकती हैं। राशि स्वामी का एकादश स्थान में परिभ्रमण, रक्तचाप, ब्लड शुगर, माइग्रेन, डायबिटीज जैसी बीमारियों का ध्यान रखें। यात्रा, विवाह आदि में खान पान का विशेष ध्यान रखें। मौसमी बीमारियों, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि के प्रति सचेत रहें। वाहन से हल्की फुल्की चोट लग सकती है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। योग, शारीरिक व्यायाम व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। घर के किसी बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। 18 अप्रैल से 6 सितंबर के मध्य शनि के वक्रत्व काल में मानसिक तनाव रह सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं आपके व्यापार, व्यवसाय व धन संबंधी चीजों की। वर्ष आरंभ में शनि एकादश स्थान में तथा बृहस्पति इस वर्ष नवम तथा दशम स्थान में चलायमान रहेंगे। व्यापार व कारोबार के विस्तार की जो योजना आप पिछले काफी समय से बना रहे थे, वह इस वर्ष कार्य रूप में परिणित होगी। प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वंदियों के सामने आप कड़ी चुनौती रख देंगे। कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय आप व्यापार में लेंगे, जिसके परिणाम दीर्घकालिक रहेंगे। लागत कम करने पर ध्यान दें। व्यापार व व्यवसाय
में किसी पर भी अधिक भरोसा नहीं करें। भागीदार व पार्टनर की गतिविधि पर नजर रखें। रुपयों पैसों के मामले में सावधानी रखें। किसी को भी रुपया उधार ना दें, अन्यथा निकलवाने के समय काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। व्यापार में नई कार्य योजनाओं और नए कार्यक्रम का प्रयोग काफी हद तक कामयाब रहेगा। तकनीक के साथ तारतम्य बिठाकर आप अपने व्यापार को चमकाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं ले। इस वर्ष किसी चल या अचल संपत्ति की खरीद की संभावना है। अप्रैल से सितंबर के मध्य व्यापार की हालत कुछ पतली रह सकती है। आपका पैसा फंस सकता है। कोई बड़ा ऑर्डर या अनुबंध रद्द हो सकता है। संयम व धैर्य से काम करें। सितंबर के बाद हालात वापस सामान्य हो जाएंगे। बचत भी होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। मित्रों, अब बात करते हैं आपके घर परिवार, संतान व रिश्तेदार की। बृहस्पति और मंगल की युति है। वर्षारंभ में पारिवारिक दृष्टि से समय अनुकूल है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। यदा कदा पति पत्नी में आपसी तारतम्यता का अभाव रहेगा। हालांकि ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। समय रहते आपसी सामंजस्य भी अनुकूल हो जाएगा। संतान की गतिविधि व कार्यकलाप जरूर आपको चिंता में डालेंगी। संतान की शिक्षा, अध्ययन व विवाह आदि को लेकर चिंता रहेगी। माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में आप तल्लीन रहेंगे। संपत्ति का बंटवारा आदि को लेकर भाइयों से तनाव रहेगा, जो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझ जाएगा। रिश्तेदारों का जहाँ तक प्रश्न है, सहयोग की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। संतान की शिक्षा व कैरियर पर बड़ा निवेश हो सकता है। हालांकि इस साल आप किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। मित्रों, अब बात करते हैं आपके विद्या अध्ययन, पढ़ाई व कैरियर की। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम स्थान में चलायमान है। अतः मेडिकल, फार्मा, आयुर्वेद, योग व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय एकदम उपयुक्त रहेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। ध्यान को भटकने नहीं दें। नौकरी में कार्यरत जातक सही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बॉस व अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। मार्च से सितंबर के मध्य जरूर ध्यान कहीं पर भटक सकता है। मन का पूर्ण रूप से एकाग्र कर पढ़ाई में लग जाएं। फालतू कार्यों में, प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने कैरियर व पढ़ाई को चौपट ना करें। मंजिल व सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी में पदोन्नति व वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंग व मित्रों की सहायता व मदद के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे। मित्रों से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रेम प्रसंगों के जरूर आपको अवसर मिलेंगे। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने कैरियर के साथ समझौता नहीं करें। प्रेम प्रसंगों के उजागर होने से परिवार में भी तनाव रह सकता है। प्रेम प्रसंग बदनामी व अपयश का कारण भी बन सकता है। मंगल के नवम भाव में परिभ्रमण वर्षारंभ के समय के कारण मतलबी व स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। वर्ष के मध्य में प्रेमी अथवा प्रेमिका से हल्की फुल्की तकरार व नोकझोंक हो सकती है। मित्रों, अब बात करते हैं वाहन खर्च व शुभ कार्यों की। इस वर्ष वाहन पर खर्च बेतहाशा होगा, जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं। मन में नए वाहन खरीदने का विचार आएगा। पुराने वाहन पर अधिक खर्च न करें। संतान की शिक्षा, अध्ययन आदि पर खर्च होगा। घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी संभव है। चल अचल संपत्ति की खरीदारी व रख रखाव पर खर्चा होगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। घर में कोई शुभ व मांगलिक कार्य की स्थिति बन सकती है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और वाहन चलाते समय सुरक्षा उपकरणों का जरूर ध्यान रखें। मित्रों, अब बात करते हैं हानि, कर्ज व अनहोनियों की। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के मध्य शनि के वक्रत्व काल में धन हानि हो सकती है। विश्वासघात हो सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा न करें। वाहन, भूमि, भवन आदि के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, जो धीमे धीमे आप अदा भी कर देंगे। व्यापार में निर्णय बड़े ही ठंडे दिमाग से व धैर्य से लें। गलत निर्णय आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं आपकी इस वर्ष की यात्राओं की। इस वर्ष एकादश स्थान में शनि के परिभ्रमण के कारण व्यापार व नौकरी को लेकर यात्राएं काफी करनी पड़ सकती है। घर परिवार के साथ अप्रैल से सितंबर के मध्य किसी तीर्थ स्थान या धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों, अब बताते हैं आपको एक अचूक उपाय, जिसे करने से आप वर्ष भर अपनी शुभता बढ़ा सकते हैं और सफलताओं को आसानी से पा सकते हैं। तो वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए कीड़ी नगरा सींचे, चींटियों को खाना खिलाएं, शनिवार को शनि मंदिर में तिल व तेल चढ़ाएं, 7 प्रकार के अनाज को मिश्रित करके पक्षियों को चुगाएं और फिरोजा रत्न
धारण करें। 5.25 रत्ती का नीलम या नीलम का उपरत्न नीली त्रिलोह में यानी कि सोना चांदी और तांबे में अंगूठी बनवाकर अभिमंत्रित करवाकर पहने। दूसरा, शनि यंत्र के साथ नीलम या फिरोजा रत्न गले में लॉकेट या पेंडेंट बनवाकर पहन सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटूलाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटूलाला। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।